सभी साथियों को जैक्सान। साथियों, अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा मैं, अभी जस्ट मेरी इस स्टेटमेंट के बाद आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। आप सोच भी नहीं पाओगे कि कोई किसान, कोई इंसान इतना भी गिर सकता है। कोई भाई गेहूं की फसल काट रहा था और उसके किसी शरीक ने या उसके किसी दुश्मन ने, मैं कहूंगा, गेहूं के अंदर मिट्टी का तेल या कोई जलने वाला पदार्थ लगा दिया ताकि जब यहां से कंबाइन गुजरेगी उसकी गेहूं को आग लग जाए। यार कितनी शर्म की बात है, कहां जा रहे हम लोग, क्या खाक हम लोग लड़ेंगे सरकारों से। इतनी बेहुदा हरकत किसी आदमी ने की है, भगवान तो खैर ऐसे लोग कभी माफ नहीं करता, वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो बंदा पकड़ा जाए तो कानूनी तौर पर उसको इतनी बड़ी सजा देनी चाहिए कि लोग याद करें, एक लोग पीढ़ियों तक याद रखें कि किसी ने ऐसा किया था। पहले आप ये वीडियो देखें। आप देखो जी, किसी मेरे वीर भाई भाई ने की सिस्टम लाया हुआ, कंबाइन चल रही है, अग लाने वास्ते किसी ने शरीक ने भी इन्हों की कणक से अग लग जाए है, भला करे परमात्मा। देखो जी, बस ये जाने की समझ लो जी, थोड़ी दो घंटे हो रहे इन्हें अग लग जानी सी, आ सारी कणक खड़ी है जी, बहुत ज्यादा लग रहा, की बुरा हाल है, सब एरिया खड़ा है, भला करे लोगों का सच्चा पातशाह। जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा साथियों, यानी कि हम लोगों की मेंटलिटी, हम लोगों का दिमाग इतना इस लेवल तक हम लोग जा चुके हैं। यार एक किसान अपनी फसल बोता है 6 महीने अपने बच्चों की तरह, जैसी परवरिश हम लोग अपने बच्चों की करते हैं वैसी परवरिश हम लोग अपनी फसलों की करते हैं। यार किसी से कोई दुश्मनी है, किसी से कोई बैर विरोध है तो सामने जाके निकालो। यार किसी का गेहूं जला के, किसी की फसल को आग लगा के, कहां की इंसानियत है ये? इतनी बेहुदा हरकत, तुरंत प्रभाव से ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी गेहूं के अंदर आग लगती है हम लोग सिस्टम के ऊपर दुहाई देते हैं, बिजली बोर्ड के ऊपर दुहाई देते हैं, या मान लो और कई कारण हम लोग कह देते हैं। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी लोग कर सकते हैं, इस हद तक लोग गिर सकते हैं, कभी सोचा भी नहीं था। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है यार, अगर आपकी किसी से दुश्मनी है ना, अगर आपका किसी से बैर विरोध है ना, उसको आप कैसे भी निकाल लो, लेकिन इतनी बेहुदा हरकत मत करो ताकि इंसान बदनाम हो जाए, किसान बदनाम हो जाए। पहले बहुत साजिशें लगी हैं किसानी को बदनाम करने के लिए, कम से कम आप लोग तो बदनाम मत करो यार। इतनी गंदी हरकत किसी ने की है, सच में मन बहुत ज्यादा दुखी है साथियों। ऐसे लोगों को क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्या सजा मिलनी चाहिए, आप लोग जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों।